عيد مبارك عيد مبارك thank you very much عيد دينانا پرنا اون تے اسا نہیں بڑھنی ہے کہ ویسے سو کی دئی عيد اللہ نے تو جڑے رہے تو صرف 4 دن بچا جی اخری روزے کو کیسا فیل ہو رہا ہے میں مس کروں گی رمضان کا تربیت کی تھی سارے لڑکے دیکھو جا رہے ہیں مسجد اور بیٹھ جان بوجھ کے بیماروں کی طرح بیٹھ گیا ہے تاکہ عيد پہ نہ جانا پڑے Met speciale gelegenheden hou in ieder geval de ingang van de moskee vrij, ook voor de veiligheid. En probeer allemaal te parkeren in de parkeergarage hier aan de overzijde van de Chameleon. Is gratis. Meri wife isne ji Ramzan mein mashallah khana banaya subah sham ko aur subah se uthke sabse pehle uthke chai banati thi aur bachchon ko school chhodna Ramzan mein ये क्या है ना ये एक बास्केट मंच आया है किसी ने हमें भेजा है ईद मुबारक का Maakt niet uit. Is een belangrijke vlog, daarom. Dankjewel. Moet ik even tekenen? Ja. असलम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जी मेरा नाम शराज है और आप देख रहे हैं टाइम विद शराज व्यूअर्स आज तीसवा रोज आया एम्स्टरडम में यहाँ जारी बात है दो ईदें होंगी जो मस्जिद हमारे घर के पास लगती है उसमें 29वां रोजा है और जो मस्जिद हमारे अम्मी के घर के पास लगती है उसमें 30वां रोजा है मैं अम्मी के साथ ईद करने के लिए क्योंकि कोई पता नहीं होता दोनों मस्जिदें एक दिन पे ईद करेंगी या नहीं तो इसलिए मैं अम्मी वाली जो उनके घर की मस्जिद पास लगती है उसके साथ मैं ईद करता होता हूँ उनके साथ रोजे रखता होता हूँ तो इंशाल्लाह कल हमारी ईद होगी तो अभी तो फिलहाल जी मैं काम कर रहा हूँ अपने 30वें रोजे पे और पाकिस्तान से हमारा आ रहा है जी एक पैकेज जिसमें कपड़े होंगे अगर तो वो आज पहुंच गया तो इसका मतलब ईद पे हम नए कपड़े पहन लेंगे वरना जाहिर बात है हम क्योंकि इतने ज्यादा शलवार कमीज पहनते नहीं है तो कोई पुरानी शलवार कमीज पहन लेंगे उसके अलावा जी आज आपका भाई आपको दिखाएगा आज की लास्ट इफ्तारी शायद मैं भी कुकिंग करूंगा देखते हैं क्या करते हैं मैं वो फुल फ्लॉग नहीं बनाऊंगा कुकिंग का लेकिन थोड़ा बहुत शायद आपको दिखाऊं और लास्ट चीज आज मैं चाह रहा हूं जी इफ्तारी के बाद मैं अपनी वाइफ को और बच्चों को फूल दूं इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ ने जी बड़ा हार्ड वर्क किया है बड़ी आसान लगता है लेकिन बड़ी मुश्किल बात है रोज सुबह उठना रोज सुबह कुकिंग करना हमारे लिए सो शी ऑल्सो डिजर्व्स ए फ्लावर बुक है तो अब जी जल्दी से दुआ है कि मारा जल्दी से पैकेट आ जाए कहीं से कहाँ रह गया वो ओ हाँ आपको बताना भूल गया कि जो मैं फ्लावर्स दूंगा अपने बीवी और बच्चों को वो सरप्राइज होगा उनके लिए सो काम के बाद मैं जल्दी से जाऊंगा सुपरमार्केट में या किसी जगह पे जहाँ फूल मुझे मिल जाए वहां से फूल लेके बैक डोर से मैं पीछे फूल छुपा दूंगा हमारे बेड़े में जो कमरा बना हुआ है उसमें तो फिर वो रोजा खुलने के बाद मैं फूल ला के उनको दूंगा तो उनका सरप्राइज भी आपको दिखाऊंगा आए अभी जल्दी से करते हैं काम खत्म जल्दी से मेरे ख्याल जी पैकेट आ गया आज जी चेक करने पैकेट आया कि नहीं हेलो सॉरी सर देखिए ओपन है इस बेलांगरेक व्लॉग डारम दैंक्यूवेल मुझे क्या फिस्टेगना थैंक यू व्यूअर्स आए इसको सबसे पहले छुपा देते हैं क्योंकि मेरी वाइफ गई हुई है काम पे जब वापस आएगी तो उसको दिखाऊंगा सरप्राइज के कपड़े ईद से पहले पहुंच गए हैं क्योंकि कपड़े कराची से आए हैं इसी के घर से आए हैं पाकिस्तान तो वो बड़ी खुश होगी अच्छा जी व्यूअर्स अभी हिना नीचे आ गई है और हम उसको पैकेट दिखाते हैं ठीक है रेहान फैजान आप यहाँ से निकालो मामा कहिए खोल के दिखाओ ये ईदी मेरे मैकेस क्या है ये खोल के दिखाओ ये नाबिया का है ओ ये नाबिया का ये मेरा है दिखाओ इधर पैक से दिखा पैकिंग में दिखा दो क्योंकि उन्होंने मेरी पसंद से मुझे वीडियो कॉल करके मुझे पसंद करवा के लिया था कि मेरा है अच्छा जी व्यूअर्स ये तो हो गया हमारे कपड़े जो आ गए हैं सारे कपड़े आपको दिखाएंगे नहीं कल ईद पे पहन के दिखाएंगे व्यूअर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरी वाइफ है जो शॉपिंग करने गई हुई थी इसीलिए मैं फूल दूंगा जी इसको और अभी मैं फूल लेने जा रहा हूँ उसको नहीं बताऊंगा वो अभी शॉपिंग करके आ रही है तो मैं उसको क्रॉस करूँगा अभी काम कर ख़त्म किया है तो अभी फूल लेने जा रहा हूँ इससे पहले कुकिंग शुरू करें और बाद में टाइम नहीं रहेगा और शायद सुपरमार्केट में फूल भी ना रहें तो चलते हैं जी फूल लेके आते हैं क्या करके आई हो मैं कल केक बनाना चाहती थी इसकी चीज़ें लेके आई हूँ अच्छा सही है तुम जाओ घर में अभी आ रहा हूँ मैं कुछ छोटा छोटा सा काम करके आ रहा हूँ वो देखें जी व्यूअर्स वो जा रही है उसको कोई शक नहीं हुआ व्यूअर्स बाहर इतनी हवा है देखें मेरे बालों की हालत क्या होगी अप्रैल की 10 तारीख होगी है लेकिन अभी तक यहाँ मौसम ठीक नहीं होगा ये मुल्क नहीं सुधरेगा ये मैं लेता हूँ अपनी वाइफ के लिए और ये ले लेता हूँ मैं अपनी बेटी के लिए और ये येलो वाले और ये वाइट वाले मैं बेटों के लिए ले लेता हूँ ठीक है जी ये जी हमारी बैक डोर जो गार्डन है उसका एंट्री है वो एंड में जो हमारा दरवाज़ा है
गार्डन का दरवाजा जी अंदर से बंद है, अभी मेरा बेटा आ रहा है, खोलेगा। या थैंक यू। बेटा इधर से आया हुआ था तो इधर से सोचा मैं आ जाऊँ। वाइफ देखें जी वहाँ किचन में खड़ी है, खाना बना रही है, और बच्चे जो गायब हैं अनाबिया है, अब वो देख ले। मैं जल्दी से ज़रा फूल उठा लूँ, मेरी जल्दी से मैंने अंदर कर दिए फूल और यहाँ रख देता हूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मीना जी, क्या बना रही हो? रुके तो अभी तो ना बनाया ना इसके, मैं अभी तो ये फिश का सालन बना रही थी। फिश बना रही हूँ। उड़ गया ये चिकन, और ये अभी मैं ये किप, ये चिकन है बोनलेस, इसको मैं ये जो नहीं होती इसमें भर के बनाऊंगी ब्रोच किप। बाकी जी व्यूअर्स ये देखें सीख कबाब, ये क्या है जी, ये बर्गर्स है, ये क्या है जी कासिफलेस है, ये क्या है जी वाफल फ्राइस है, ये क्या है जी फ्राइस है, और क्या जी ये खजूरें हैं। तो मैं जरा तलने वाली चीजों में मैं हेल्प कर दूं, अभी तो थोड़ा टाइम है ना, लेकिन मैं वो कर देता हूं। ठीक है डील होगी व्यूअर्स जी, मैं तलने वाली चीजें करूंगा और हिना बनाएगी ये पकाने वाली चीजें। ये भी डालते हैं जी बचा हुआ, ये क्या है ना, ये एक बास्केट मंच आया है, किसी ने हमें भेजा है, ईद मुबारक का। ईद का, अच्छा वाओ, क्या क्या पड़ा इसमें? इसमें ये परफ्यूम है, आई थिंक बॉडी स्प्रे है, और ये ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट्स हैं, और ये चूड़ियां भी हैं। थैंक यू बोल दो। है ना जी, आखिरी रोजे को कैसा फील हो रहा है? मैं मिस करूंगी रमजान का। तो व्यूअर्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तारी कर लिया आखिरी रोजे की, कल इंशाल्लाह ईद है, और अब आ गया जी टाइम सरप्राइज का। मैं लाया हूँ अपने बच्चों की और बेबी के लिए एक सरप्राइज, तो मैं लेके आता हूँ सरप्राइज, आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है पीछे आना, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, उधर बैठो सारे मिलके बैठो। तो व्यूअर्स अभी दिखाते हैं इनको मैं क्या लाया हूँ जी। अच्छा जी आप सब लोगों के लिए मैं लाया हूँ फूल, वो इसलिए लाया हूँ क्यों आप सब लोगों ने बहुत माशाल्लाह अच्छे रोजे रखे, रेहान ने, फिजान ने, अनाबिया ने, और मामा ने बेटा जो सुबह उठ के नाश्ते बनाए, शॉपिंग की है, और एक बार उफ तक नहीं की। तो व्यूअर्स सबसे पहले शुरू करते हैं अनाबिया से। अनाबिया अशबलीफ, मेरी बेटी ने बहुत अच्छे रोजे में शामिल हुई है, मेरी बेटी ने हर रोज फजर में उठी, हर रोज तो नहीं आधे फजर में उठी है। अब आ जाओ फिजान इधर। ये जी फिजान के लिए इसने सारे रोज रखे दो छोड़ के, तो माशाल्लाह मेरा बेटा। और आप जी मेरे बेटे रेहान के लिए मेरे माशाल्लाह सारे रोजे रखे हैं, त्रावियां पढ़ी हैं, और मेरे बेटे पे मैं प्राउड हूँ जी, मैं माशाल्लाह। और जी लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी वाइफ, इसने जी रमजान में माशाल्लाह खाना बनाया सुबह शाम को, और सुबह उठ के सबसे पहले उठ के चाय बनाती थी, और बच्चों को स्कूल छोड़ना रमजान में बहुत इसने जी किया है, डिजर्व करती है स्कूल। हाँ जी ना जी। अभी क्या हो रहा है ये इधर देख के बात करो, ये छोटी छोटी क्यूट सी ब्यूर मैशेस आई है मेहंदी लगवाने के लिए मुझसे चांद रात पे, ये मेरी बिल्कुल पक्की क्लाइंट है, हर चांद रात पे आती है। लो जी व्यूअर्स हमारे घर में एक और ईद के लिए जो है वो पैकेट आया है, ये देखे जी बड़े प्यारे बैग में ईद मुबारक वाला, और इसके पीछे जी ये देखे टॉफियां, इसके ऊपर ईद मुबारक का कार्ड लगा हुआ जी। भेजने वालों को जी थैंक यू वेरी मच, टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कैसा था। अच्छा जी व्यूअर्स इसके बाद तैयबा मस्जिद की भी जो हमारे घर के पास लगती है वहां से भी न्यूज आ गई है कि कल ही ईद होनी है, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड वाइड में कल ही ईद हो रही है, तो हम कल अपने घर के पास ईद पढ़ेंगे। ये न्यूज भी अच्छी है जी कि अपने घर के पास ईद पढ़ेंगे। तो आपको मिलते हैं फिर कल सुबह ईद के लिए। गुड मॉर्निंग जी, ईद मुबारक सबको, हम हो चुके जी सब प्यार। और ये आप कुछ बोलना चाहती हो?
मैं ईद मुबारक बहुत बहुत, अभी तो नमाज के जाने लगे ये लोग और इसको भी, ये भी देखे जी तैयार हुआ ईद के लिए, लेकिन ये ईद पढ़ने नहीं जाएगा। ईद क्यों नहीं पढ़ने जा रहा रेहानी हो? तो क्या तरबियत की थी, सारे लड़के देखो जा रहे मस्जिद, ये मस्जिद नहीं जा रहा, ये घर पड़ेगा तो पहन के बैठ। और बैठ जानबूझ के बीमारों की तरह बैठ गया है ताकि ईद पे ना जाना पड़े, ईद पे ना जाना पड़े। मेरी बेटी सोई हुई है जी, चलते हैं ईद पढ़ते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। غرور هي رينتو فطرانا يا فطرانا بسم الله علي زوايا فاشبليف سلام زوايا فاشبليف نادا كاميرا عيد مبارك عيد مبارك ثانك يو فيري ماتش السلام عليكم ما شاء الله كار تعالى ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا Goeiedag en in ieder geval alvast een gezegend suikerfeest voor ieder gewenst. En mijn vraag is aan iedereen, als u komt op een vrijdaggebed of als u komt om te bidden of met speciale genegenheden, hou in ieder geval de ingang van de moskee vrij, ook voor de veiligheid. En probeer allemaal te parkeren in de parkeergarage hier aan de overzijde van de Chameleon. Is gratis, want zo krijgen we ook geen klachten van de buurt en kunt u gewoon uw gebed doen en bent u zo weer weg zonder een bekeuring. En hierna komt natuurlijk een mooie omhelzing voor Yves. Yves Mubarak. ما شاء الله بارك الله في عبيد. ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी वापस जाते हैं, मामा को देखते हैं, मामा से ईद मिलते हैं। आपकी मामा से, मेरी नहीं। वो आपको तो भी करेंगे। मैं अपनी मामा से भी मिलूंगा, लेकिन अभी तो नहीं, वो तो शाम को जाएंगे ना। पता था अनाबिया दरवाजा खोल, अनाबिया दरवाजा खोल के पीछे छुप गई हो। वाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जान वो रैगी है, रैगी को ईद मिलो, उठा के गले लगा। रियान अभी ईद मिला, रैगी ईद, ईद मिला इसका। रैगी ईद मुबारक, ईद मुबारक, रैगी ईद मुबारक। इना जी, आज क्या स्वीट में क्या बनाया? स्वीट है, रखो इधर, नीचे रखो, देखूं क्या। वाओ, ये क्या है? सवैया। सुवैया, वाओ, थैंक यू। हाँ तो व्यूअर्स, अभी हो चुकी है शाम, मैं काम खत्म कर चुका हूँ, ईद वाले दिन काम कर रहा था, तो अभी मेरे बच्चे और वाइफ चले गए मेरी अम्मी के घर ऑलरेडी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो बकिया व्लॉग वहां से करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम मुबारक अम्मी जी, ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। सेहत कैसी है? सेहत है, मैं बैठी हूँ तक। व्यूअर्स देखो जी, मेरे ना के करने लगे ना अम्मी, रो करो लगे, मारो लगे, क्यों देने लगे ईद? अम्मी ईद दिन ना पढ़ना, और तो ऐसा नहीं बढ़नी है कि वैसा सोच के दिया ईद। अल्लाह ने तो देने लगे, तो फिर चार दिन में चार सौ। कितनी है? 100। सो जी व्यूअर्स, ईद मिली है, ईदी होगी मेरी, ईदी ए मैंने की जी, मोड़ दसा किसी और तरीके ना हूं ले लेना, खुश हो दसा किसी और तरीके ना मोड़ देना, ठीक है जी। अम्मी जी, ईद मुबारक आप छोड़ो सारे की। ईद मुबारक सारे की, अल्लाह ताला ये जींदा बार बार नसीब बोलने, अल्लाह रोजे अल्लाह ताला कबूल पाया अपनी बारगाह लाइफ, आमीन। मेरी बेटी की भी जी तबीयत खराब हो गई है, मेरी बेटी
देखो इसके कपड़े देखो जी, ये देखो इसके कपड़े, इसके देखो कपड़े, देखो इसके कपड़े देखो। अभी अम्मी के घर से जी जा रहे हैं वापस और ईद खत्म हो गई है। अभी आपको कपड़े दिखाते हैं जो कल आए थे कराची से, तो जल्दी से दिखा के फिर उसके बाद खत्म करते हैं जी व्लॉग। आ जाओ सारे कपड़े दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच व्लॉग देखने के लिए। ये हमारे कपड़े आए थे जी पाकिस्तान से और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़।